नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल के प्रीमियर एनालिसिस में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मैच को। वेल अभी तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें फर्स्ट ओडीआई मैच में बांग्लादेश की टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी, तो वहीं सेकेंड ओडीआई मैच जो है वहां पर बारिश की वजह से वो मैच रद्द हो गया था। हालांकि वहां पर बांग्लादेश की टीम ने बल्लेबाजी तो की थी और बल्लेबाज काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। तो वहीं बात करें गेंदबाजों की आयरलैंड के, तो उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। लेकिन दोस्तों जो तीसरा ओडीआई मैच है यहाँ पर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी टीम होगी जो कि तीसरे ओडीआई मैच में जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आयरलैंड की टीम थर्ड ओडीआई मैच जीत जाती है तो ये सीरीज जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम यहाँ पर जीत दर्ज करती है तो ये सीरीज बांग्लादेश के नाम हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच होने वाले इस तीसरे ओडीआई मैच को। वेल तीसरा ओडीआई मैच जो है वो खेला जाएगा सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 मार्च को दोपहर 2 बजे। तो दोस्तों यहाँ की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 4, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मात्र 1 ही मुकाबला अपने नाम किया है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर रहा है बांग्लादेश की टीम का 322 का और लोएस्ट स्कोर बनाया था जिम्बाब्वे की टीम ने 152 का। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश की टीम के लिए ये पिच काफी अच्छी साबित हो सकती है। हालांकि फर्स्ट ओडीआई मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन बांग्लादेशी करते नजर आए थे उस हिसाब से तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश इस सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होंगे या फिर वही खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान पर उतरेंगे भैया भिड़ने के लिए आयरलैंड की टीम के साथ। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 पर। तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम में जो खिलाड़ी शामिल रहेंगे वो होंगे तमीम इकबाल, लिटन दास, नजमुल हुसैन शांटो, मुशफिक रहीम, शाकिब अल हसन, टॉडी हिरदोय, यासिर अली, तस्कीन अहमद, एडॉट हुसैन, नसूम अहमद और हसन महमूद। तो ये 11 खिलाड़ी होंगे जो कि आयरलैंड के खिलाफ फिरते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों बांग्लादेश के इन खिलाड़ियों से आयरलैंड की टीम को थोड़ा बचकर खेलना होगा अगर वो इस मुकाबले में जीत दर्ज करना चाहते हैं। चलिए ये तो 11 खिलाड़ी हो गए, लेकिन जो चुनिंदा खिलाड़ी होते हैं जो कि बल्लेबाजी में भी कमाल करते हैं साथ ही भैया बॉलिंग में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि बात करते हैं की प्लेयर्स की भैया सीधे सीधे, तो उसमें जो है चुनिंदा खिलाड़ी ही शामिल होते हैं। अब कौन है वो चुनिंदा खिलाड़ी जो कि इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करके अपनी टीम को ये सीरीज जिताने में मदद कर सकते हैं, तो चलिए नजर डालते हैं की प्लेयर्स की लिस्ट पर, जिसमें हमने सबसे पहला नाम शामिल किया है मुशफिक रहीम का, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए दोस्तों 144 रन स्कोर किए हैं। तौहीद हिरदोय की अगर बात करें तो 2 मुकाबले उन्होंने खेले हैं और 141 रन उन्होंने बनाए हैं। इनके बाद है शाकिब अल हसन, जिन्होंने 110 रन बनाए हैं वो भी 2 मुकाबले खेलते हुए। तो ये जो 3 बल्लेबाज हैं यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 2 मुकाबले में उन्होंने बैटिंग की थी यानी कि फर्स्ट और सेकंड ओडीआई में, जो कि सेकंड ओडीआई बारिश की वजह से रद्द हो गया था, तो यहाँ पर तीनों ही खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करते दिखे थे। लेकिन बात की जाए गेंदबाजी की, क्योंकि अगर सामने वाली टीम को भैया जीतने से रोकना है तो रन बनाने से भी रोकना होगा, तो यहाँ पर गेंदबाजों का क्या कुछ खास प्रदर्शन रहा है वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों शाकिब अल हसन के बाद अगर गेंदबाजों की बात करें तो एडॉट हुसैन का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 4 विकेट झटके हैं अभी तक 2 मुकाबलों में, और आखिरी नाम है नसूम अहमद का, जिन्होंने 3 विकेट झटकाए हैं 2 मुकाबले खेलते हुए। तो ये हो गए बांग्लादेश टीम के की प्लेयर्स। दोस्तों यहाँ पर आयरलैंड की टीम जरूर चाहेगी कि इस मुकाबले में वो जीत जरूर दर्ज करे। तो ऐसे में कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कि प्लेइंग 11 में शामिल रहेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो इसमें रहेंगे स्टीफन डॉनी, पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बलबिर्नी, हैरी ट्रैक्टर, लॉर्कन टकर, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल, एंडी मैग, मार्क एडर, मैथ्यू हम्प्रीज और ग्रेहम ह्यूम। तो दोस्तों आयरलैंड के ये 11 खिलाड़ी दिखाई देंगे बांग्लादेश के खिलाफ फिरते हुए। लेकिन की प्लेयर्स की बात करें तो भैया यहाँ पर जो दूसरा ओडीआई मैच था वहां पर बल्लेबाजी का मौका तो नहीं मिला था आयरलैंड के बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाजी देखने को मिली थी, तो गेंदबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन करते आए थे बॉलर्स। तो यहाँ पर चलिए नजर डालते हैं की प्लेयर्स की लिस्ट पर कि आखिर कौन से खिलाड़ी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो पहला नाम है यहाँ पर जॉर्ज डॉकरेल का, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों 45 रन बनाए थे अपने फर्स्ट ओडीआई मैच में, क्योंकि सेकंड में भैया वहां पर उन्हें बैटिंग करने का जो है मौका ही नहीं मिला, बारिश ने वहां पर सारा माहौल खराब कर दिया। अगला नाम है स्टीफन डॉनी का, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 34 रन बनाए थे। अब बात की जाए दोस्तों गेंदबाजी की, क्योंकि बल्लेबाजी का तो ज्यादा मौका मिला नहीं है उन्हें, फर्स्ट ओडीआई मैच में ही उन्होंने बल्लेबाजी की थी, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो ग्रेहम ह्यूम का नाम शामिल किया है, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट इस सीरीज में चटके हैं यानी कि 2 मुकाबले खेलते हुए 7 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। मार्क एडर की बात करें तो दोस्तों सेकंड ओडीआई मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 1 विकेट चटकाया था और आखिरी
खिलाड़ी नाम है कर्टिस कैम्फर का, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड ओडीआई मैच में एक विकेट अपने नाम किया था। तो दोस्तों ये है वो खिलाड़ी आयरलैंड के जो कि अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बात करें कंक्लूजन की कि आखिर ये जो तीसरा ओडीआई मैच है कौन सी टीम जीतेगी, आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। वेल, अपना कंक्लूजन हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट ओडीआई मैच में बांग्लादेश की टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस डिफरेंस के साथ वो ये मुकाबला जीती थी, तो डेफिनेटली यहां पर बांग्लादेश की टीम का पलड़ा भारी रहेगा। जैसा कि आप पिच रिपोर्ट देख सकते हैं वहां पर भी बांग्लादेश की टीम ने हाईएस्ट स्कोर बनाया है दोस्तों, और फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं, इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। तो अगर बांग्लादेश की टीम यहां पर टॉस जीती है और फर्स्ट बैटिंग चुनती है तो डेफिनेटली बांग्लादेश की टीम जो है इस मैच में जीत हासिल करेगी, और यहां पर चांसेस भी बांग्लादेश के ज्यादा नजर आते हैं। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी तीसरा ओडीआई मैच, या फिर दोस्तों आयरलैंड की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी और ये मैच हो जाएगा ड्रॉ, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी टीम होगी जो ये मुकाबला जीतेगी? जल्दी से जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आऊंगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको है क्रिकेट की भरपूर नॉलेज, हर एक मैच में अपनी टीम बनाने की ललक, तो हम दे रहे हैं आपको रियल कैश प्राइज जीतने का मौका माई 11 ग्रुप ऐप के जरिए, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फेवरेट मैच, अपने क्रिकेट की नॉलेज से बना सकते हैं खुद की एक टीम और अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं ये कॉन्टेस्ट, और आसपास के लोगों और दोस्तों को रेफर करने पर भी आप जीत सकते हैं ढेर सारा कैश बोनस प्राइज। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए माई 11 ग्रू ऐप और जीतिए ढेर सारा कैश प्राइज।